फ्रेंड्स, हमने भाग वन में पढ़ा था प्रश्नावली 8.2 का, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमने क्वेश्चन, हमको देखना है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि साइन 30 प्लस का टेन 45 माइनस का कौशिक 60 बटा का सेक 30 प्लस का कौश 60 प्लस का कॉट 45 का मान कितना होगा। ठीक ना, तो हम क्या करेंगे, सबका मान हमको याद है। ठीक ना, मान सारणी से जो लोग मान नहीं याद किए हैं वह जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है 1, माइनस है तो माइनस दे देंगे। कौशिक 60 का मान होता है 2/√3, बटा है तो दे दिए हैं बटा। सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है 1। अब हम क्या करेंगे कि सबका एलसीएम ले लेंगे। ऊपर वाला 2/√3 का एलसीएम हो जाता है 3, कितना हो जाता है 2√3। अब 2 से 2 तो कट जाएगा, कितना बचेगा 3, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो मेरे पास आएगा 3। प्लस है तो प्लस, 1 से 2√3 में गुना कर देंगे, भाग दे देंगे तो मेरे पास आएगा 2√3। माइनस है तो माइनस, 3 से 3 कटेगा कितना बचेगा 2, तो 2 × 2 = 4 बटा 3। 2 का है एलसीएम में तो क्या जाएगा 2√3 हो जाएगा बटा 3 से 3 कटेगा कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 और 2 गुना करेंगे तो कितना बचेगा 4 हो जाएगा। प्लस 2 से 2 कट जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 ही आएगा। एक से ई कितना बार में कटेगा, तो जितना है उतने बार में, यानी कि 2√3 बार में कटेगा। अब इसको भाग उलट के अगर गुना में करेंगे कि यहाँ पे रूट जोड़ने वाला जुड़ेंगे कि 2√3, अब ये 3 कितना हो जाएगा 3√3, 3√3 माइनस का 4 बटा का मेरे पास आया 2√3 बटा 3, और 2√3 कितना हो जाएगा 3√3, और प्लस का ये वाला 4 के यहाँ पे लिख देते हैं 4, और बटा का 2√3 हो जाएगा। अब हम इसको लिख लेते हैं, मेरे पास आया है ऊपर है 3√3 माइनस का 4 बटा का 2√3, और यहाँ पे देखिए ये भाग में है तो भाग उलट के बताए हैं कि कहाँ क्या होता है, गुना होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2√3 और बटा में नीचे हो जाएगा 3√3 माइनस प्लस का 4, √3 से 2√3 क्या होगा कट जाएगा, मेरे पास बच रहा है 3√3 माइनस का 4 और 3√3 प्लस का 4। अब हम बताए हैं कि अगर रूट आ जाए तो उसको परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण करने के लिए रूट बताया कि अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना, और माइनस है तो प्लस है, तो यहाँ पे क्या है प्लस है, तो क्या कर देंगे माइनस 3√3 माइनस का 4 और 3√3 माइनस का 4। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास आ रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस का b इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और अगर रहे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी तो उसका फार्मूला होता है a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी और a माइनस बी हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर एक और भी होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का बी स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, वही फार्मूला यहाँ पे सेट करेंगे, a इसको मानेंगे b इसको मानेंगे, a स्क्वायर मानेंगे कि 3√3 का
होल स्क्वायर माइनस टू, एक जगह पर कितना है, एक जगह पर है थ्री रूट थ्री और बी के जगह पर कितना है फोर, प्लस बी का स्क्वायर, तो बी के जगह पर यहाँ कितना है फोर है, तो फोर का स्क्वायर। अब यहाँ पे थ्री का स्क्वायर कितना होगा, नाइन होता है, और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा थ्री हो जाएगा। माइनस चार का स्क्वायर कितना होता है सोलह, अब सबका कैलकुलेशन करेंगे तो स्क्वायर से रूट वो खत्म हो जाएगा तो तीन बचेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो तीन दो एक नौ और नौ तिया सत्ताईस, माइनस इसको करेंगे तो चार दुनी की आठ, आठ और तीन करेंगे इससे तीन से गुना करेंगे तो आठ तीन की चौबीस, यानी कि चौबीस रूट थ्री प्लस का सोलह बटा कितना होगा नौ तिया सत्ताईस माइनस का सोलह। अब इसको क्या करेंगे कि इसको और इसको जोड़ेंगे, ठीक ना, तो सत्ताईस सोलह कितना हो जाएगा, तो सात और छ तेरह और तीन और दो और एक तीन, अब एक हासिल चार हो गया तैतालीस माइनस के चौबीस रूट थ्री, और सत्ताईस में से सोलह चल जाएगा तो सात में से छ गया एक और दो में से एक गया एक, यही मेरे पास क्या हो गया आंसर हो गया। पहला का पांचवा क्वेश्चन कहता है, लास्ट पहला का प्रश्नावली 8.2 का पहला का लास्टवा क्वेश्चन कहता है कि पाँच कॉस स्क्वायर साठ प्लस चार सेक स्क्वायर तीस माइनस टेन स्क्वायर पैंतालीस बटा के साइन स्क्वायर तीस प्लस कॉस स्क्वायर तीस का मान निकालिए या क्या होगा। तो हम पढ़ा दिए हैं पिछले वीडियो में कि साइन स्क्वायर थीटा, हमने पढ़ाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, तो अगर थीटा के जगह पर तीस तीस रखें तो इसका मान भी तो वन होना चाहिए, साइन स्क्वायर तीस प्लस का कोस स्क्वायर तीस इसका मान भी कितना होना चाहिए वन, तो नीचे का पूरा का मान कितना हो गया वन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो थीटा के जगह पर तो तीस लिखा है तो तीस दोनों का बराबर है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं फाइव है तो फाइव कॉस स्क्वायर साठ, तो कॉस साठ का मान होता है एक बटा का टू और स्क्वायर है तो क्या दिए स्क्वायर दे देंगे, प्लस है तो प्लस, चार है तो यहाँ पर देंगे चार, सेक तीस, सेक स्क्वायर तीस है तो सेक तीस का मान कितना होता है, तो सेक तीस का मान होता है एक बटा का, सॉरी सेक तीस का मान होता है टू बटा का रूट थ्री और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और टेन पैंतालीस का मान होता है वन, वन का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब नीचे बटा में वन रहे चाहे ना रहे बात कोई फर्क नहीं पड़ता है, वन से किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो उतने बार में कटता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास होगा पाँच इंटू एक के स्क्वायर एक होता है, दो के स्क्वायर कितना होता है चार होता है, प्लस दो के स्क्वायर कितना होता है चार का चार लिखे हैं इंटू दो का स्क्वायर कितना होता है चार, और बटा इस रूट से स्क्वायर खत्म तो नीचे कितना बचेगा तीन, माइनस का वन, वन के नीचे तो वन लिख ही सकते हैं। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करके पाते हैं कि पाँच के पहला एक बार पढ़ेंगे तो पाँच बटा का चार प्लस चार चौके सोलह बटा के तीन माइनस के एक बटा का एक, यहाँ पे हम चार और तीन का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आएगा बारह, और चार से बारह कितना बार में कटेगा तीन बार में, चार तिहाई बार और तीन बचे के पंद्रह, प्लस तीन से बारह काटेंगे तो चार बार में और चौदह चौका सोलह चौका चौंसठ, सोलह चौका चौंसठ हो जाएगा, माइनस के इससे कटेंगे तो बारह बार में, अब प्लस वाला का जोड़ देंगे तो पंद्रह और चौंसठ देंगे तो पाँच और चार नौ हो जाएगा और छः एक सात हो जाएगा, माइनस का बारह सॉरी बारह बटा का बारह, अब इतना में से बारह चल जाएगा उनासी में से बारह चल जाएगा तो नौ में से दो गया सात और सात में से गया छः और नीचे बारह, यही मेरा आ गया आंसर। बहुत इजी है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहिए, थैंक यू वेरी मच।